आपकी नजरों ने समझा कि अपकमिंग एपिसोड में अब और भी ड्रामा देखने के लिए तैयार रहिए। जहां एक तरफ तो दर्श पूरी कोशिश कर रहा है नंदिनी के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की, तो वहीं दूसरी तरफ शोभित के सामने होगा एक और बड़ा खुलासा। वेल, यहां पर शोभित को चार्मी का फोन कॉल आने वाला है। ये अपने आप में बहुत शॉकिंग है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही तो शोभित को ये पता चला था कि चार्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। तो फिर चार्मी के फोन से आखिर कॉल कैसे मिल सकती है शोभित को? वेल, शोभित ये कॉल पिक करेगा और दूसरी तरफ से चार्मी शोभित से बात करेगी। जी हाँ, चार्मी जिंदा है। ये सच अब शोभित को मन ही मन कसोटने वाला है कि आखिरकार ये सारा माजरा है क्या। आखिर कुछ दिनों पहले हॉस्पिटल से वो फोन कॉल क्यों आई थी कि चार्मी अब इस दुनिया में नहीं रही। ऊपर से चार्मी का वो वॉइस मैसेज, वेल वो वॉइस मैसेज तो अपने आप में सही था, लेकिन हॉस्पिटल से जो कॉल शोभित को आई थी वो एक फेक कॉल थी। चार्मी बिल्कुल ठीक होकर वापस आ चुकी है और अब वो शोभित से मिलना चाहती है, इसीलिए उसने शोभित को कॉल भी की है। अब शोभित इस पूरे माजरे का पता लगाएगा कि आखिरकार ये सब कुछ हो क्यों रहा है। जाहिर सी बात है कि वो फेक कॉल अपने आप तो आया ही नहीं होगा, किसी ना किसी ने तो वो कॉल करवाई है। अब ये शख्स कौन है जो शोभित के दिल में लगातार जहर भर रहा है? क्या नंदिनी और दर्श को लेकर शोभित की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो पाएगी? कौन सा नया मोड़ लेती है सीरियल आपकी नजरों ने समझा की कहानी? कैसे असली विलन तक पहुंच पाता है शोभित? शो के अपकमिंग एपिसोड में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा।